गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड डे थ्री इन मनाली प्रॉपर हिमाचली कल्चर तो भी हमको मस्त मिल गया एक बढ़िया लग रहा है। और अभिषेक भाई आज हम लोग किधर जा रहे हैं? आज हम सब पहले नगर कैसल जाएंगे, फिर आर्ट गैलरी, फिर जाना वाटरफॉल और राफ्टिंग पॉइंट जाएंगे। बढ़िया। तो अभिषेक भाई इज़ गॉट द एंटायर ट्रिप प्लान्ड आउट टुडे, लेट्स गो एंड एंजॉय द डे। चलिए बाकी का आपको दिन में दिखाते भी जाएंगे। तो हम जाने कर रहे हैं, बस तेरा हाई रहेगा और कुछ नहीं। आज तो हिमाचल वाली लेडी बनी हुई कुछ तो बोल दे। मिडल ऑफ ब्यूटिफुल पाइन फॉरेस्ट, इट्स सो नाइस, नाइस काम एंड पीसफुल। बहुत खूबसूरत लग रहा है जगह। तो अभी आके पहुंचे हैं कैसल नगर पे। तो अंदर शूटिंग अलाउड नहीं है, तो बाहर की एरिया हम आपको दिखा देंगे। लेट्स गो। सो दिस इज हाउ द प्लेस लुक्स फ्रॉम इनसाइड। थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी दिया हुआ है एंड सम मूवीज दैट वर शॉट हियर। हिस्ट्री इज ऑल्सो मेंशन हियर। आलू पोहा है, व्हाट्सएप नहीं हो रहा है। तो आर्किटेक्चर देखिए, पत्थर लग को मिक्स करके इसको बनाया गया है। एकदम वेरी नाइस पार्ट ऑफ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ दिस प्लेस कैन बी व्यूड फ्रॉम हियर। वाओ वेरी नाइस। हियर इज द एंट्री है इसको। Smelling very good. There's a restaurant here as well. Okay, there's a restaurant that upstairs. Okay, so that side is a restaurant. Just let's show you. Okay. Food menu yahan pe mentioned hai. Oh wow. So yahan se aap upar ja sakte ho. And that's where you can sit. Oh, really lovely. The view is very beautiful from here. देखिए, yeah, really lovely. Here is an amazing viewpoint. यहाँ का व्यू देखिए यहाँ से। रियली ब्यूटीफुल। वाओ। सो अभी हम जा रहे हैं आर्ट गैलरी की तरफ एंड एग्जैक्टली वहाँ पर हम लोग थे अभी। नगर जो कैसल था वहाँ पर थे। वैसे ऊपर उठ के आए हैं अभी इस रूट से एंड हम लोग अभी इधर जा रहे हैं आर्ट गैलरी की तरफ। सो वी केम फ्रॉम दैट वे एंड गोइंग दिस साइड।
व्यू तो मतलब अब कितना भी बोलिए मतलब कम है। दिस ट्री इज लुकिंग ऑसम। उसका क्या नाम है हमको भी पता नहीं है। जैसे भी व्यू देखिए ये खूबसूरत है। आई डोंट नो वेदर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अंदर अलाउड होगी, बट देन फिर भी चलिए जहाँ तक है वहाँ तक वो दिखाते हैं आपको। अरे आगे और ले लेंगे आज हम। सो हियर वी आर एट द एंट्रेंस ऑफ द आर्ट गैलरी। कुछ इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, इंटरनेशनल रोरिच मेमोरियल ट्रस्ट, स्टेट ऑफ ग्रेट रशियन आर्टिस्ट निकोलस रोरिक एंड हिज फैमिली रोरिक्स आर्ट गैलरी। ओके देयर इज अ टिकट काउंटर हियर। ओके ये है इसकी एंट्री यहाँ से। वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। इट्स रियली नाइस हियर। आगे जो है so here we are at the art gallery, so Nicholas Rorick 1874 to 1947. So that's his wife Helena Rorick 1875 to 1955. What a beautiful place. See this looks so nice, nice and peaceful and beautiful. This is the entry over here. Please remove your shoes. Definitely. Wow. Pine trees with the cones. Never seen a view like this. इधर नीचे भी जा सकते हैं सर। यस अब ये नाम तो भाई ये स्पेलिंग में पढ़ नहीं सकता। डिफिकल्ट एक्चुअली। इधर go down from here as well. Very niche hai kya? That would be a part of the mart over here. See, this is the main place. Yahan pe andar jayenge. Dikhayenge. Art gallery hum logon ne dekh liya. Ab jo memorial hai unki wife ka wo niche hai. आपको दिखा रहा पहले। सो वी जस्ट गोइंग डाउन टू दैट। लेट्स सी द व्यू फ्रॉम दिस प्लेस। सी द होल वैली। नगर में आर्ट गैलरी और कैसल दोनों ही घूम लिए, थोड़ा थोड़ा पूरे ही घूमे। अब हम जा रहे हैं जाना वाटरफॉल है। जाना वाटरफॉल। एंड लंच भी वहीं पे करेंगे एंड उसके बाद थोड़ा सा राफ्टिंग का प्लान है। चलिए वो भी दिखा देते हैं। बहुत खूबसूरत रास्ते हैं वो भी हम आपको दिखा देंगे। पूरा पाइन फॉरेस्ट के बीच से हम लोग जा रहे हैं एंड इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल व्यू। चलिए वो आपको दिखा देते हैं। Thank you.
जाना वाटरफॉल, जाना जाना वाटरफॉल। तो ये आगे से भी दिखा देते हैं आपको। तो अभी तो पानी कम है, बारिश के बाद देन देखिए ऊपर पहाड़, थोड़ा मौसम व्यू यार। वहाँ बैठ के भी खा सकते हैं आप खाना। तो यहाँ पे कुछ ढाबे वगैरह आपको दिख रहे होंगे जो फेमस फॉर सर्विंग द लोकल फूड। तो बेसिकली उस तरफ से हम लोग आए हैं एंड जो वाटरफॉल यहाँ से निकल रही है ये देखिए, ये यहाँ से बहते हुए आगे वैली को निकलने वाली है। थोड़ा इस तरफ भी दिखा देते हैं आपको। ठंड काफ़ी है एंड ये भी काफ़ी ऊंचा है, मतलब दिस इज ऑल्सो प्रिटी हाई अबव द सी लेवल। जाना वाटरफॉल, वाटरफॉल ट्राउट फार्म। फिश के भी ऑप्शंस हैं यहाँ पर। ओह लुक एट दिस पाइन ट्रीज, अच्छी खासी गर्मी लग रही है। अब घर देखिए कहाँ बनाया लोगों ने। हाउ ब्यूटिफुल इज दैट प्लेस। ठंड तो बहुत जबरदस्त लग रही है लेकिन ये व्यू एंजॉय करने में जो मजा आ रहा है ना। These leaves. Wow. कुछ कॉन्स भी हम लोगों को मिल गया था रास्ते में, तो हम लोगों ने वो भी इकट्ठा कर लिया है। ले जाके घर पे थोड़ा सा जाएंगे। चलिए एंजॉय करते हैं यहाँ का खाना। तो वी विल ईट हियर मनीराम ढाबा, लोकल फूड। देखते हैं अंदर क्या मिलता है लोकल खाने में। थैंक यू भैया। क्या है खाने में? लोकल फूड है, लोकल फूड है। आपका नाम? अंकुश ठाकुर सर। अंकुश ठाकुर, अंकुश ठाकुर। यस सर। चलिए दिखा दीजिए बढ़िया क्या है यहाँ का। जैसे हमारे पास स्पेशल फूड रहता है, जैसे थाली रहता है, जितना भी हमारा लोकल फूड होता है सब एक थाली में रहता है सर। जैसे ये रेड राइस है, लोकल राइस होता है हमारे यहाँ का। ओके। मक्के का रोटी रहता है, सिडू होता है जो ट्रेडिशनल डिश रहता है कुल्लू मनाली का। ओके। राजमा कड़ी जैसे गाय का घी रहेगा, जेडरी होता है, चटनी रहेगा और पिकल रहेगा लोकल, जो फॉरन वगैरह बीच वगैरह मिक्स रहता है, सरसों का साग होगा। जैसे 10 आइटम जो आपको एक थाली का। थाली का रेट क्या है? 180 सर। 180। चलिए नॉन वेज वगैरह कुछ नहीं मिलता है? ओनली वेज। ओके ओनली वेज। चलिए आज वेज खाते हैं एंड एंजॉय करते हैं यहाँ का लोकल फूड। तो खुशी की बात यह है कि उड़ीसा से एक फैमिली हमको मिल गया है। किधर से आप लोग? बरहमपुर, उड़ीसा। बरहमपुर। सो सब लोग, द होल टीम इज फ्रॉम बरहमपुर एंड रियली वेरी गुड टू मीट यू ऑल। सो हियर वी आर एंड एंजॉयिंग आवर फूड हियर।
एंजॉयिंग द लोकल फूड। चलो एंजॉय करो तो अपन वाले। तो खाना आ गया हम लोगों का एंड पूरा स्प्रेड इधर ही है। ये देखिए मक्के की रोटी, उसको क्या कहते हैं, सिद्धू, दाल, राजमा, पिकल है, ये भी कुछ हरे मिर्च की चटनी लग रही है। तो ये स्वीट डिश आई गेस। हियर वी आर घी, पिंक राइस एंड साल्ट। रिव्यू तो नहीं करेंगे, फटाफट खाने में लग जाएंगे, फिर बाद में टेस्ट आप लोग आके खुद कर लीजिएगा एंड फीडबैक भी दीजिएगा। तो बेस्ट जीन्स बेस्ट जीन्स कि मैंने समस्ते हैदराबाद रु अच्छा जस्ट वर्क फ्रॉम होम चलती तो घर काम चलती हिंदी में भी बोल देता हूँ। तो हम लोग सब उड़ीसा गए लेकिन डेफिनेटली भाई लोग हमारे जितने भी हैं वो लोग अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन के सिचुएशन में। नाम बता दीजिए अपना। राजन। चिन्मय। चिन्मय। अविनाश। अविनाश एंड वेयर द अदर लेडी, शी इज ऑलरेडी गॉन आउटसाइड। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मिलके सबको और लोगों को बहुत अच्छा लगा। हाँ, और हम लोग देखे नीतस ट्रैवल ब्लॉग और सब्सक्राइबर टू नीतस ट्रैवल ब्लॉग। और थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच। तो ये मेमोरेबल मोमेंट हो गया हम लोगों के लिए भी, इतने दूर से मतलब बेसिकली कहाँ कहाँ में, सब उड़ीसा में है, कोई वारंगल में, कोई हैदराबाद में, और यहाँ पे इतने दूर आके सबके साथ मिलने का मौका मिला। इट्स अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। चलो ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट ट्रिप अहेड। नीता का चश्मा टूट गया, देखिए हालत। डिनर अभी खत्म हुआ एंड अभी खत्म करके वापस चले होटल की तरफ। बहुत ठंड है आज, बहुत ज्यादा ठंड है। तो यहाँ समाप्त हुआ हमारा मनाली का ट्रिप एंड हम कल मॉर्निंग में 10:30 हम निकलेंगे शिमला की ओर। नाक से पानी बह रहा है यार। तो कल जा रहे हैं हम लोग शिमला एंड कोई आइडिया नहीं है क्या करना है शिमला में, बस जा रहे हैं, इतना पता है कि जा रहे हैं। एंड इट वाज अ ग्रेट टाइम हियर इन मनाली, हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वी हैड अ लॉट ऑफ फन, वी रियली हैड अ लॉट ऑफ फन। एंड इवनिंग में जनरली कुछ होता नहीं है शिमला में करने का, मनाली में करने के लिए। डे एक्टिविटीज आप पूरा कीजिए, शाम को आइए मॉल रोड पर, मस्त घूमिए फिरिए, खाना वाना खाइए एंड बैक टू द होटल। जल्दी चलिए, आज के लिए सायोनारा फ्रॉम मनाली।